आज मैं आपके लिए बनाऊंगी सोयाबीन चिल्ली रेसिपी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये सोयाबीन को मैंने भिगा कर 2 घंटे पहले और इसे मैंने पानी निचोड़ लिया, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। ये हमारा सोया चिल्ली है, इसलिए हम इसे बिल्कुल तीखा और चटपटा बनाएंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे सिर्फ मैदा ही डाल लें। कॉर्नफ्लोर डालने से ये बेनिफिट होता है कि हमारा सोयाबीन जो है बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होगा, क्रिस्पी हो जाएगा, इसलिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मैदा, आप देख सकते हैं ये मैदा, आप सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लोर के जगह पे गेहूं का आटा जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, ये आप देख सकते हैं दही, ऐसे मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये तकरीबन 3-4 टेबल स्पून डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारा ऑयल लिया है, मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरीके से फ्राई करेंगे, आप इसे स्लो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसे आप कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर डाल दूँगी आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उतना ही डालें। आप देख सकते हैं इसी तरीके से बिल्कुल आप डीप फ्राई करें। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से सिक चुका है, इसको मैंने पलट लिया। आप इसी तरह से चारों तरफ से पलट पलट के इसे फ्राई करें। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये कितने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरीके से बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं वो हमारा सोयाबीन फ्राई हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, मैंने ले लिया कढ़ाई, अब इसे गर्म होने देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। करेंगे मिक्स, इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस सॉटे कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, आप चाहे तो आप लहसुन को काट के भी डाल सकते हैं। तो मैं ये 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो अदरक को भी छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं, लेकिन अगर मुँह में आते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसे पिसा हुआ डाल लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है,
टेस्ट वैसे ही बनेगा जैसा होना चाहिए। तो ये सॉटे हो चुका है, सॉटे हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मैंने 4 हरी मिर्च ले लिया, इसे मैंने बीच से सिलेक्ट कर लिया, और ये मैंने 2 प्याज ले लिए हैं ऐसे 4 टुकड़ों में काट के, इसके कलियां खोल ली हैं, और ये 2 मैंने टमाटर ले लिए इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए। अब इन सभी चीज़ को इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। ऐसे हम तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे। ढककर इसे हम 2 मिनट पका लेंगे ताकि हमारा प्याज और टमाटर जो है हल्का सॉफ्ट हो जाए। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक 1/2 टीस्पून, आप ध्यान रखें कि आपके सोयाबीन में भी नमक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, मैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे पका लेंगे ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रहे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 चम्मच। सोया सॉस 1 चम्मच हम इसे कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चिल्ली 2 टेबल स्पून, और हम इसे कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 कप या 1 कप वाटर। इसे हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया। तो अब हम इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किया था, और इसे करेंगे मिक्स। अब हम इसे ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारा जो सोयाबीन है वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर लें। तो ये 2 मिनट हो चुका है। अब इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल स्लो मीडियम पे रख दिया, बिल्कुल लो मीडियम पे। ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारा सोयाबीन अब्सॉर्ब कर लिया इसका पानी। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सोयाबीन चिल्ली बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और खाएं और बनाएं, और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।